बेफिक्र बादशाह कैसे बने, इस विषय पर बाबा आज हमें समझा रहे हैं। सदा बेफिक्र बादशाह होना, पहले बाबा आते क्या कहते हैं, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाप की बाप को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात की है, जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है क्या होगा कैसे होगा, और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को होना चाहिए, बाप को या आपको। और आप और बाप तो सागर है, बाप तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र। तो जो कर्म करो, कर्म करने से पहले सोचो कि मैं क्या हूं, ट्रस्टी हूं, मैं क्या हूं, मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाप तेरा, सब कुछ बाबा तेरा। तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा, हल्के भी रहेंगे, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है फिर वैसी क्या बन जाती है, स्थिति बन जाती है। तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं है, बाप है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र। स्थिति भी कैसी होगी, सदा बेफिक्र। जब बाप ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे, बाबा कह रहे हैं सारी फिक्र मुझे दे दो और हम सारी फिक्र बाबा को नहीं देते तो क्या कहेंगे। बाप की ऑफर है, बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है, दूसरों को बेफिक्र बनने का की अनुभव से विधि बतानी है। पहले खुद बेफिक्र बनो, फिर जैसे आप बेफिक्र बने हो वैसे क्या करना है आपने, क्या करना है आपने, सबको बेफिक्र बनने की विधि बतानी है। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे ना, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की शुभ दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, कौन से धन के, अविनाशी, बादशाह को क्या परवाह, विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन ये है अविनाशी, ये है अविनाशी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनेंगे बेफिक्र बादशाह। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।